फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। सो इसमें और लॉजिकल फंक्शन और का रूल है कि यदि सारे कंडीशंस में यदि एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो रिजल्ट ट्रू देता है, यदि सारे कंडीशन फॉल्स हो तो रिजल्ट फॉल्स देता है। अब इसका इसमें से देखिए 7 greater than 8 है, इस ये कंडीशन क्या है फॉल्स है, और 9 greater than 8 है ये क्या है ट्रू है। सो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा ट्रू, क्योंकि इसका रूल कहता है कि यदि एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू देगा और यदि सारे कंडीशन फॉल्स हो तो फॉल्स देगा। अब एंटर प्रेस करते हैं, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, देखिए ट्रू आ गया। अब प्रैक्टिकल करते हैं लॉजिकल फंक्शन नॉट का। देखिए जैसे कि हमने इक्वल टू इफ अंडर पैरेंथेसिस नॉट अंडर पैरेंथेसिस कंडीशन है लॉजिक्स है 6 greater than 8, यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो ये फॉल्स पार्ट का फॉलो करता है, यदि कंडीशन फॉल्स हो तो ट्रू को फॉलो करता है। ये नॉट फंक्शन का रूल है कि इफ लॉजिकल इज फॉल्स देन नॉट रिटर्न ट्रू, इफ लॉजिकल फंक्शन इज ट्रू देन नॉट रिटर्न फॉल्स। सो इफ नॉट ग्रेटर देन, यहां पे कंडीशन हमारा फॉल्स है बिकॉज 6 is less than 8, तो हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो फॉल्स होने पर ये ट्रू रिटर्न करता है और ट्रू होने पर फॉल्स रिटर्न करता है। सो अभी एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा रिजल्ट ट्रू देगा, देखिए एंटर प्रेस करते हैं ट्रू आ गया रिजल्ट। सो दैट्स ऑल, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।